हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप बैंड के लिए। रिसेंटली बहुत सारे इंडिविजुअल का व्हाट्सएप बैंड हो रहा है टेम्पोरेरी बेसिस में, और ये वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इसका रीज़न किस लिए हो रहा है और आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप परमानेंट बेसिस में, आप बोल सकते हैं, बैंड ना हो। अगर परमानेंट बेसिस में आपका व्हाट्सएप बैंड हो जाएगा तो उसके बाद आप वो नंबर से कभी भी व्हाट्सएप नहीं बना पाएंगे, आपको न्यू नंबर लेना होगा। तो सबसे पहले आपको टेम्पोरेरी बेसिस में बैंड मिलेगा। अगर आप टेम्पोरेरी बेसिस के बाद भी अगर आप वो वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परमानेंटली बैंड हो जाएगा। उसके बाद आप वो वाला नंबर से कभी भी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। सो मैं आपको रीजन बताता हूं। बेसिकली ये वाला रीजन व्हाट्सएप का सीईओ या बोल सकते फेसबुक का ओनर, आप बोल सकते ट्वीट करके बताया है। तो बेसिकली व्हाट्सएप से अलावा जितना भी थर्ड पार्टी ऐप है जो कि व्हाट्सएप को आप बोल सकते सपोर्ट या आप बोल सकते व्हाट्सएप का क्लोन करता है, वही एप्लीकेशन के चलते ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जितना भी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, चाहे वो जीबी व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप प्लस हो, व्हाट्सएप ब्लू, व्हाट्सएप गोल्ड, जो भी है, ये सब व्हाट्सएप के चलते ही आपका व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो बैन हो रहा है। हाँ, मुझे पता है कि व्हाट्सएप प्लस, व्हाट्सएप जीबी, व्हाट्सएप, इसमें आपको बहुत सारा फीचर्स मिलता है जो चीज़ आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में देखने को नहीं मिलता। बट व्हाट्सएप की तरफ से ट्वीट किया गया, ये बताया जा रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप से अलावा कुछ और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपका अकाउंट बैंड हो रहा है या आपका अकाउंट का डिटेल लीक हो रहा है, तो व्हाट्सएप का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। क्योंकि आप व्हाट्सएप का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके नहीं चला रहे, दूसरा का एप्लीकेशन चला रहे जो कि मॉडेड है, मतलब कोई भी अलग नॉर्मल डेवलपर उसको क्रिएट कर रहा है अपने हिसाब से, और उसमें क्या क्या वायरस हो रहा है, इवन क्या क्या चीज़ उसके अंदर दिया जा रहा, तो उसको आपको नहीं पता। इसी चलते व्हाट्सएप की तरफ से एक आप बोल सकते ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप परमानेंट बैन ना हो, तो आप अपना व्हाट्सएप है वो आप स्विच करके नॉर्मल व्हाट्सएप में आ जाइए जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप में वापस आ जाएंगे तो आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा। अगर आप ये वार्निंग के बाद भी नॉर्मल व्हाट्सएप में वापस नहीं आते, जीबी व्हाट्सएप चला रहे या जो भी व्हाट्सएप चला रहे जो कि ओरिजिनल व्हाट्सएप नहीं है, तो आपका पहले अकाउंट टेम्पोरेरी बेसिस में बैंड होगा, उसके बाद आपको वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद आपका अकाउंट परमानेंट बेसिस में बंद हो जाएगा, उसके बाद आप वो नंबर से कभी भी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट्सएप बैंड का कंप्लीट न्यूज़। रिसेंटली ये न्यूज़ आया है, ये क्विक अपडेट की तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका डेटा लीक होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट भी लीक होता है, तो व्हाट्सएप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। तो इसी चलते मैं बता रहा हूँ कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप में वापस आ जाइए, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सएप को चलाइए। सो इतना ही था ये वीडियो में। आया आपको कुछ समझ में आ चुका होगा व्हाट्सएप के रिलेटेड, जितना भी मैं इन्फॉर्मेशन बताया सब कुछ पता चल गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जो जी भी व्हाट्सएप चला रहा है और जो भी अलग अलग व्हाट्सएप चला रहा है, जो ऑरिजिनल व्हाट्सएप नहीं चला रहा, उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी ये न्यूज़ फैला दीजिए। और इवन अगर आप मेरे चैनल में नया आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए, उससे होगा जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।